मेरे वालिद हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। ये रिश्ता कहीं आगे चला गया है, वो मेरे लीडर हैं, मैं उनकी फॉलोअर हूँ। मैंने उनके नजरिए पे लग गया, मैं ये दिल से समझती हूँ कि मियाँ साहब की, मियाँ साहब ने एक बात की, मैं बड़े गौर से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा अब क्या एजेंडा है, मैं 3 दफ़ा वजीर आजम बन गया हूँ, तो अब मेरा जाती एजेंडा क्या है। मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब आपकी कामयाबी का अभी आगाज हुआ है। वज़ीरे आज़म तो 18-19 आ चुके हैं पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, मगर जब वक्त बदलेगा, जो कि वो बदल रहा है, तो लोग आपका नाम लेंगे। और आपका नाम सिर्फ मोटरवेज बनाने वालों में नहीं आएगा, आपका नाम बिजली के कारखाने बनाने वालों में नहीं आएगा, आपका नाम मीशत बहाल करने वालों में नहीं आएगा, आपका नाम पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे सिर्फ बनाने वालों में नहीं आएगा। आपका नाम एक वाहिद उस लीडर की हैसियत से लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, और पूरी पाकिस्तान की तारीख में, जिसने पाकिस्तान की मर्दानावार मुकाबला करके तमाम आजमाइशों का, तकलीफों का, कुर्बानियां देके अपनी जात की, उसने पाकिस्तान की सिमत बदल दी। और जिसने अवेयरनेस देकर पाकिस्तानियों को कुर्बानियों के एक दरिया से गुजरकर, आग के एक दरिया से गुजरकर, जिसने न सिर्फ मजलूम को जुबान दी बल्कि उसने जालिम को भी लगाम दी। ये कोई छोटी बात नहीं है।